खबर है, यहां पर समरानिया फरेदुआ नदी के तेज बहाव के बीच लोग फंस गए। मौके पर लोगों की इस दौरान भीड़ जमा हो गई। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। नदी से निकलने के लिए लोग यहां पर कड़ी मशक्कत करते नजर आए। केलवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे शाहबाद से हमारे संवाददाता अनिल भार्गव इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए हैं। अनिल, जो लोग फंसे हुए थे नदी की धार में, उनको लेकर क्या अपडेट है? क्या उनको रेस्क्यू कर लिया गया है? कहना चाहूंगा, क्षेत्र में जोरदार बारिश हो रही थी, इससे नदी नाले पूर्ण रूप से उफान पर थे। इसी दौरान समरानिया फरेदुआ गांव निवासी माखन यादव अपने भैंसों को चराने के लिए गया हुआ था, जो नदी के तेज बहाव के बीच में एक टापू पर फंस गया था। उसके बाद ग्रामीणों को जानकारी मिली, ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर केलवाड़ा पुलिस थाना अधिकारी पहुंचे और ग्रामीण पहुंचे, वहीं उसका रेस्क्यू किया गया। उसके बाद रेस्क्यू कर ग्रामीणों व पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर युवक को निकाल लिया गया है। वहीं नदी नाले पूर्ण रूप से उफान पर है। इस पर थाना अधिकारी व प्रशासन लोगों से अपील करता दिखाई दे रहा है कि नदी के तेज बहाव में न जाएं और सतर्क रहें, जरूरी होने पर ही घर से बाहर रहें। वहीं प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट मोड पर बना हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ ये अपील की जा रही है कि इस तरह तेज बहाव में ना जाएं, वरना आप फंस सकते हैं। और फिर ऐसे में प्रशासनिक जो अमला है वहां पर हालांकि पहुंचता है और उन सभी को रेस्क्यू करने की अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है।